الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت لم أزل أنكل من الأسلاب الطيبين إلى الإرحام الطاهرات وفي مقامه كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر غم من مورق خزيتي يا سيدي سهل لنا أشقر يا سيدي سهل لنا أشقر يا سيدي قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي مخبر معمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول وعلى آلك وصحبك يا الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك وأهل بيتك وبناتك ووالديك يا خاتم النبيين هزار بار بشر امتحان بمشكك الله ونوز نام تو گفتن کمال بے ارتیست نغمہ کو جاوا من کو جاوا ساز سخن بہانا ایست سوئے قطار بھی کشم ناقا بے زمان مرا لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کیونکہ اسلم یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں عظمت کے سلسلے اما بعد سب سے اعلیٰ ہو اولا جس جس کا ہے وہ بولتا جائے سب سے اعلیٰ ہو اولا سب سے بالا ہو اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہا جن کے تلووں کا تھومن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہے وہ جان مسیحا ہے وہ جان مسیحا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ اور رسولوں سے اعلیٰ اور رسولوں سے اعلیٰ جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہے وہ رحمت کا دریا ہے وہ رحمت کا دریا سب سے اعلیٰ ہو اولا سب سے بالا ہو اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہا قابل صد احترام بزرگ و عزیز دوستو اللہ رب العالمین کا شکر ہے اس خالق اکبر نے توفیق بخشی آج اس محفل مبارکہ میں حاضر ہو گیا اور بے شمار حمد اور ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو ہماری
औकात से ज्यादा हमारी बर्दाश्त से ज्यादा हमें दुख नहीं देता, लेकिन हमारी औकात से ज्यादा हमें सुख जरूर देता है। और दुरूद व सलाम की तहाइफ उस पाक बारगाह में हदियतन तोहफतन पेश करता हूँ जो हम गुनाहगारों और शाहकारों के लिए रहमतन लिल आलमीन और शफी अल मुजरमीन बनकर तशरीफ लाए। ग्रामी मुअज्जज मोहतरम उलमाए किराम सना खाना ने शीरी लिसान काबिले कदर बुजुर्गो अजीज दोस्तों प्यारे बच्चों, आज की ये महफिल पाक मोहतरम मुजाहिद खत्मे नबूवत जनाब मौलाना मोहम्मद नदीम कादरी साहब उनके भतीजे उन्होंने एहतमाम किया, बड़ी मोहब्बत से दावत दी, मैं हाजिर हो गया। और जुमला जो भी अहबाब खत्मे नबूवत के मुजाहिद और खत्मे नबूवत के अजीम महाज पर काम करने वाले कारवां के दस्तबाजू हैं सब और सारे हाजरीन को सलाम मोहब्बत। अल्लाह ताला हमारी हाजरी को कल क़यामत के दिन शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मैंने एक आयत करीमा और दो हदीस मुबारका का इख्तसार से तिलावत की। तो हजरत ग्रामी तवज्जो चाहूंगा, माहे रबीउल अव्वल है, सरकार की आमद मुबारका का महीना अपने उरूज की तरफ है। आज 10 रबीउल अव्वल शरीफ है, 11 की रात है, 10वीं और 11वीं की दरमियानी रात। बारह रबीउल नूर वो अजीम दिन है जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को मुनव्वर करने के लिए वजूदे ज़ाहरी के साथ इस दुनिया में तशरीफ लाए। रबीउल नूर का सुहाना मौसम है और मेरी कुछ सालों से ये आदत है और मामूल है कि 12 रबीउल नूर से पहले जहाँ भी महफिल हो मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन माजिदैन करीमैन तय्यबैन ताहरैन का जिक्र करता हूँ और उम्मत को पैगाम देता हूँ कि आज एक फितना जो गुज़श्ता कुछ अदवार से चल रहा है कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन के ईमान पर शक करने लगे और उनको माज़ अल्लाह काफिर कहने लगे, उन बदबख्तों का रद भी है और अहले ईमान के ईमानों की हलावत के लिए जिक्र वालिदैन भी है। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की अगर रजा चाहिए ना, खुशी चाहिए, तो हुजूर के प्यारों का जिक्र करना जरूरी है और उन प्यारों में जो हुजूर के सबसे हैं प्यारे, माँ बाप से प्यारा कौन हो सकता है।
औलाद भी प्यारी होती है, नवासे भी प्यारे होते हैं, असहाब भी प्यारे हैं, सब प्यारे हैं। कभी असहाब का जिक्र करके सरकार को खुश किया जाता है और कभी आल का जिक्र करके सरकार को खुश किया जाता है और कभी नवासों का जिक्र करके सरकार को खुश किया जाता है। तो कभी ये भी जरूरी है कि हुजूर के वालिदैन का जिक्र करके हुजूर को खुश कर लिया जाए। एक दुआ हम दलीले ताकि हर शख्स समझ जाए कि ये मसला कुरानी है और इस मसले पर बड़ी वजाहत के साथ दलाइल मौजूद है। उनमें से मैं दो एक आयात और दो तीन हदीस, फिर उसके ज़मन में जितना वक्त बचा वो मैं अज़मत व शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ अर्ज करूँगा। मैंने कुरान मजीद की जो आयत मुबारक का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उस आयत का एक हिस्सा, अल्लज़ी यराका हीन तक़ूमु व तक़ल्लुबुका फिस्साजदीन। अल्लाह फरमाता है महबूब, हम आपके नूर को घूमता हुआ देखते हैं सजदा करने वालों के दरमियान। इसकी तफसील सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान करते हैं, फरमाते हैं कि ये जो नूर को घूमता हुआ साजदीन में देखा गया ना, इससे मुराद और उसकी तफसील आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का ये फरमाना है कि ऐ महबूब, हम आपके नूर को जिस पुश्त और जिस रहम में मुंतकिल किया, हर साहिब पुश्त और साहिब रहम जो है वो सजदा करने वाला यानी मोमिन था। अल्लाह करीम ने यह गारंटी अता कर दी कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से लेकर हजरत आमिना तक हर हुजूर का बाप और हर हुजूर की माँ मोमिना थी, मुशरिक काफिर मुनाफिक न थी। साजिद अल्लाह ने कुरान में कहा और साजिद का मतलब ही सजदा करने वाला, वो मोमिन की खूबी है। और अल्लाह फरमा रहा है, आम बंदे की बात तो हो नहीं रही कि बंदे ने किसी बंदे के बारे में गारंटी दी हो कि ये मोमिन है, तो ये शक हो सकता है कि शायद ये अंदर से मुनाफिक और मोमिन ना हो, धोखा दे रहा हो। तो बंदों को तो धोखा दिया जा सकता है लेकिन अल्लाह को कायनात में कोई धोखा दे नहीं सकता। अल्लाह तो दिल के वसवसों को जानता है, तो जिन हस्तियों के बारे में अल्लाह फरमा दे कि ये साजिद है, इसका मतलब है उनके ईमान की गारंटी अल्लाह ने अता कर दी। एक तो ये आया मुबारक और दूसरी आयत मुबारक अल्लाह पाक ये डबिंग ना हो आवाज की, थोड़ा सा ना बेस पे कम कर दे थोड़ी। अल्लाह करीम थोड़ी सी बढ़ा दो, थोड़ी सी कितनी ज्यादा करें, थोड़ी सी कम होगी, ज्यादा कम होगी। अल्लाह करीम पाक भी है, आला भी है, और जब बंदे किसी का हवाले से कसम उठाते हैं तो उसके लिए लाजिम है कि वो अपने से आला और पाक की कसम उठाई जाती है। अब अल्लाह जब कसम उठाता है तो अल्लाह से तो आला है कोई नहीं, अल्लाह की सारी मखलूक है, अल्लाह खालिक है, तो अल्लाह से आला और अफजल है कोई नहीं। अब अल्लाह पाक जब कसम उठाता है तो जिस चीज की या जिस हस्ती की कसम उठाई जाती है उसके लिए लाजिम है कि उसका पाक होना और उसका मखलूक में से आला होना, तैयब होना लाजिम आएगा। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों पे कसमें उठाई। अल्लाह ने फरमाया ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लु बिहाज़ल बलद, कसम है शहर मक्का की उन गलियों की महबूब जिनमें तू चलता फिरता है। मक्का के शहर की अल्लाह ने कसम उठाकर
बता दिया कि ये मक्का शहर तमाम शहरों से अफजल है, आला है, और उसकी पाकी का अंदाजा फिर आप लगा सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने कसम शहर की उठाई, किस वजह से कि महबूब तू इनकी गली इस गलियों में चलता फिरता रहा। इससे अगली आयत इतनी वाज़े और गैर मुबहम है कि दुनिया हैरान रह जाएगी। इससे बढ़कर भी कोई ईमान वालिदैन पर अगर कोई बात करता है तो उसका ईमान अपना नहीं रहता। अल्लाह ने फरमाया वालिदिन व मा वलदा, कसम है महबूब मुझे उसकी जिसने तुझे जना, और कसम है उसकी जिसने उसे जना। और इसका मफहूम वाज़े है, वालिदिन व मा वलदा, कसम है उसकी ए महबूब, यानी कसम है तेरे बाप अब्दुल्ला की और कसम है तेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब की। थोड़ा सब साथ देंगे तो बात को मैं आगे लेके चलूंगा। अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन माजदैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन, आप सिर्फ मोमिन ही नहीं बल्कि आप मखदूमा कायनात और मखदूमे कायनात हैं। अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर को इंतकाल करते 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 आखिर में जिस हस्ती और जिस बतन और जिस पोस्ट में आपने अल्लाह ने ये नूर रखा, तुम सोच सकते हो सादे बुजुर्ग अगर बात को समझाए ना तो बड़ी कमाल अंदाज कर देते हैं। बुजुर्गों की अपने अंदाज होते हैं, उनकी अपनी तबीयत होती है। किसी ने इस बात से इनकार किया वालिदैन की ईमान पर तो बुजुर्ग सूफी थे, दरवेश थे, उन्होंने ज्यादा दलीलें देने की बजाय उन्होंने कहा कभी आपने घर में दूध रखा है, दूध पिया है? उन्होंने कहा जी बहुत मर्तबा दूध पिया है, दूध रोजाना लाते हैं, घर में आता है, आपके भी आता होगा। तो उन्होंने कहा कि आपके घर में एक बर्तन पड़ा हो जो कल का धोया ना हो और उसमें कुछ चीजें लगी हो जो हकीकतन नजस भी ना हो, नजस कुरानी में भी उसमें यानी कतई और नस कती से नजस ना हो, ना कुत्ते का जूठा हो ना खिंजीर का जूठा हो, वो वैसे ही कल का धुला हुआ ना हो और आपका ही बचा हुआ हो और उसमें कुछ और चीजें मिल जाए, मिट्टी हो, खाक हो, वो डोल लाके आपको दिया जाए कि ये 2 किलो दूध इसमें डाल दें, आप उस बर्तन में दूध डालना पसंद करेंगे? जिसको समझ आए वो मेरे साथ शेयरिंग भी करे जरा। उसने कहा कि नहीं हजरत, उस डोल को धोना है पहले, कल का बचा हुआ उसमें जरासीम होंगे, उसमें यूं ही होगा, उसको फलाओ, उसको धोएंगे, 2 किलो दूध जाया हो जाएगा अगर ऐसे डालेंगे तो, पीने के काबिल नहीं रहेगा। बुजुर्गों ने कान खींच के कहा 2 किलो दूध के लिए तुझे बर्तन धोना याद है? आमिना के लाल के नूर के लिए रब को पाक बतन याद ना रहा होगा? अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को जिस जगह रखना था उस जगह की पाकी का रब को ख्याल ना आया, तू तू 2 किलो दूध के लिए तो परेशान हो गया, ये खराब हो जाएगा, इसकी बका और इसकी हकीकत बदल जाएगी, इससे बू आने लग जाएगी, पीने के काबिल नहीं रहेगा। तो जिस नूर और जिस हस्ती के जरिए अल्लाह ने कायनात के आलम को मुनव्वर करना है, जिस हस्ती के लिए अल्लाह ने कायनात के आलम में नूर भेजना है, हदायत भेजनी है, वह युज़की भेजना है, वह युअल्लिमुहुम किताब भेजना है, जिसके जरिए किताब में पढ़वानी है, इल्म देनी है, हिकमत में देनी है, जिसके जरिए इंसानों को पाक करना है, उस नूर के लिए क्या नापाक जगह रखी होगी? उस नूर के लिए क्या नापाक जगह? अकल के मारो कुछ तो ख्याल करो, 2 किलो दूध को बचाने के लिए बर्तन का साफ होना लाजिम है। तो जिसने कायनात को मुनव्वर करना है, जिसने कायनात को तज़किया करना है, जिसने कायनात को हिकमत इल्म और मुअल्लिम कायनात बनकर आया है,
है, रहमतन लिलआलमीन बनकर आया है। उस महबूब के लिए नौमा करार देने के लिए क्या काफिर और मुशरिक का वतन चाहिए था? अल्लाह अकबर, अल्लाह खुदा के लिए कुछ खौफ करो। और मैं मंतकी दलील यहाँ पे आयत कुरानी से ही लेना चाहूंगा। आपके घरों में कुरान पाक है, आप पढ़ सकते हैं जाके। उसके बाहर लिखी होती है, अमूमन जो छापने वाले होते हैं ना, वो कुरान करीम की आयत को बाहर खूबसूरत लगा देते हैं ताकि पकड़ने वाला इसी से गौर करे। ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहर, कोई भी इसे हाथ ना लगाए। पहला जुमला, कोई भी इसको हाथ ना लगाए। बोला कोई भी ना लगाए, पर मैं सवाए पाकों के। भाई तवज्जो, मिलाद सरकार का है। अब जौक के साथ बैठेंगे तो बात को मैं और आगे लेके चलूं। सब गम भुला दिए हैं जब याद आ गए हम। तवज्जो करना जरा, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान और रिफत मकाम और मर्तबा लोगों के जहनों में नहीं आ सका, समझ ही नहीं सके। कुरान पाक को छूने से पहले हुक्म है, कोई ना छूए सवाए पाक लोगों के। कुरान है क्या? अल्लाह का कलाम महबूब के कल्ब पे अथर पर नाजल हुआ, और उसमें क्या है? महबूब मक्के की गलियों में चला तो अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। महबूब ने ऐसे कैंकर उठा के मुंह चाल के मुंह पर मारा, अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। महबूब ने कमली ओढ़ के सो लिया, अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंदिर वरब्बका फकब्बिर। ए महबूब उठ, चादर ओढ़ने वाले चादर लेकर सोए, अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। तेल सर को लगाया, अल्लाह ने वतीन व ज़ैतून नाजिल कर दिया। महबूब जुल्फे में केरी तो वल्लैल, चेहरे अनवर की बात आई तो वद्दुहा, अरे चाल की बात आई तो ला उक्सिमु, शहर की बात आई तो फिर ला उक्सिमु, अरे हुजूर की चाल रफ्तार और हुजूर के सफर मेराज की बात आई तो सुभानल्लज़ी यसरा। सारा कुरान हुजूर की नात, हुजूर की तारीफ, हुजूर की शान ही तो हैं। तो मैंने कहा मुल्ला तुझे समझ नहीं आई, जिसकी शानों के पढ़ने के लिए तुझे पाक होना शर्त है, वो शान वाला जिस वतन में रहा होगा वो कितनी पाक होगी। जिस वजूद को, और फिर एक और सुन ले, एक अकली दलील हदीस से इस्तिंबात करता हूं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीरात के बारे में हुजूर ने अपने खसाइस खुद बयान किए कि अल्लाह ताला ने मुझे खसाइस अता की। उनमें से एक खसूसियत पता क्या है? वो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले जमीन नापाक थी, और यहूदी इबादत करता था तो अपने इबादतगाह के अंदर, ईसाई इबादत करता था तो अपने चर्च के अंदर। कोई जमीन को इबादतगाह नहीं समझता था, खुली जमीन को। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मैं दुनिया में आया, मेरी विलादत हुई, जमीन पे मेरे कदम लगे, अल्लाह ने पूरी जमीन को पाक कर दिया। अब आखिर तक अगर किसी को समझ आए तो मेरे साथ बोले, अंधेरे का फायदा नहीं उठाना, जौक के साथ बोलना है। इस जमीन पूरी में क्या सुअर रहते हैं कि नहीं रहते? कुत्ते रहते हैं कि नहीं रहते? बिच्छू जानवर जहरीले नापाक नजस जानवर रहते हैं कि नहीं रहते? इसके बावजूद ये जमीन पाक है, इसके बावजूद ये जमीन पाक है कि नहीं? जो जमीन की नापाकी पर शक करे उसका ईमान मफलूज हो जाएगा। इसके ऊपर इतने खतरनाक नजसुल ऐन जानवर है और उनके गोबर सारा कुछ है, इसके बावजूद जमीन पाक है। और जमीन की हर जगह पर हुजूर के कदम भी नहीं लगे, हुजूर ने कदम लगाए सिर्फ मक्का की एक जगह पर, और जिस एक जगह पर मुस्तफा का कदम लगे उसकी वजह से लाखों करोड़ों मील की जमीन पाक हो जाए। जिस वतन में मुस्तफा 9 महीने पूरा क्या करे वो कैसे ना पाक हो सकती है?
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गासिया, उल्मा हक अहले सुन्नत, उल्मा हक अहले सुन्नत। हर हाथ उठाएगा जिसको हाथ हुजूर के सदके मिला है, नारा मैं लगाऊंगा, जवाब आपने देना है। अजमत वालिदैन मुस्तफा जिंदाबाद, कहना दो मरतबा अजमत ईमान वालिदैन मुस्तफा, अजमत ओ शान मुस्तफा, अजमत ओ शान वालिदैन मुस्तफा, ये नारा लगाना है, ये नारे को बार बार करना है। अब सुनिए जरा, अल्लाह गनी, अरे एक कदम जमीन पर लगे पूरी जमीन पाक, जिस पुश्त में वो नूर रहा वो पुश्त वाला बाप क्यों ना पाक, जिस रहम में वो नूर रहा वो रहम वाली मां कैसे पाक ना हुई। अकली दलील एक और अर्ज कर दूं छोटी सी, आपके घरों में कुरान तो है ना, है ना, उसके ऊपर गलाब भी चढ़े होंगे, गलाब चढ़ाने के लिए कपड़ा बाजार से नया लाया है, धुला हुआ था, साफ था, किसी ने आज तक अकल के अंधे ने गंदा कपड़ा गुलाब के लिए इस्तेमाल किया है, नापाक कपड़ा इस्तेमाल किया है, तो अकल का इलाज तो मुल्ला को कराना चाहिए ना, कुरान के गलाब के लिए तो पाक कपड़ा चाहिए साहिब कुरान के लिए, साहिबे कुरान के लिए, उसके वतन के लिए पाक वतन ना चाहिए, कैसे मुमकिन है? वो इसको तो अकल ही तस्लीम नहीं करती। याद रखो पूरे 1,25,000 नबियों में किसी नबी का बाप ना मुशरिक हुआ है, ना काफिर हुआ है, ना किसी नबी की मां मुशरिका हुई है, ना काफिर। ये बुनियादी असूल है हुजूर के, नहीं 1,25,000 नबियों में से किसी के नबी। ये जो शजरा बयान करता है ना मुल्ला, हजरत इब्राहिम का बाप आज़र है, ये गलत बयान करता है, आज़र मुशरिक है, बुतप्रस्त, और वह बाप नहीं है, वह चचा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम तारुख है, आज़र नहीं है, तारुख है। और ये भी आप शजरे देख ले, जब छपते हुए बाजार में किस शजरे की तस्ही करवाना चाहो तो देख लेना जिसके ऊपर हजरत इब्राहिम के ऊपर आज़र नाम हो, जान लेना ये उस मुल्ला का शजरा तरतीब दिया हुआ है। और वो ना लेना जिस शजरे में हजरत इब्राहिम से ऊपर तारख नाम हो, जान लेना ये सही लकीदा का छपा हुआ था। किसी भी नबी का बाप मुशरिक को काफिर नहीं है, याद रखना। और हुजूर अलैहिस्सलाम तो दर्जा उला इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, सैयदुल अंबिया है, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद वाजे, अब इतनी वजाहत के साथ जो हुजूर का फरमान आ गया। अब मैंने दो आयत करीमा और तीन अकली दलाइल दिए, एक आयत कुरानी से और दो हदीस मुबारक से, तीन अकली दलाइल देने के बाद अब मैं खुलम खुला हदीस बयान करने लगा हूं, जिसमें खुदा मिना के लाल सरवरे कायनात ताजदारे मदीना ने फरमाया, लोगों सुनो मेरे खानदान के बारे में कल को कोई बात में ना रहे, कल को कोई शकूक में ना रहे, फरमाया लम्मा सलून कर लो मिनल असलाब तकबीन इलल इरहाम तहरा, लोगों मैं हमेशा से पाक पुश्तों से, ये नहीं कहा कि मैं अब्दुल मुतलब से, ये नहीं कहा कि मैं हाशिम से, ये नहीं कहा मैं दादा अदनान से, ये नहीं कहा कि मैं इस्माइल और इब्राहिम से, नहीं नहीं, फरमाया लम असल उन करो मिनल असलाब तकबीन इलल इरहाम तहरा, लोगों मैं हमेशा से पाक पुश्तों और पाक रहमों में मुंतकिल हुआ, पाक रहमों पाक पुश्तों में मुंतकिल हुआ हूँ। गोया हुज़ूर ने फरमा दिया मेरा नूर जिस पुश्त में रहा वो पुश्त वाला बाप भी पाक, और जिस रहम में रहा वो रहम वाली माँ भी। ग्रामी कादर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इतने वाज़े अल्फाज के बाद किसी मोमिन को गुंजाइश नहीं रहती, किसी मोमिन को गुंजाइश नहीं रहती वो शक करे, और जिसे शक आ जाएगा उसका अपना ईमान फक हो जाएगा।
सरवरे कायनात फख्रे मौजूदात आपके वालिदैन माजदैन करीमैन तय्यबैन ताहरैन आपकी असमत आपकी शान इंसान की अकल में आ ही नहीं सकती क्योंकि ये कुदरत का खासा है। रब ने बनाया ही ऐसा है और इतनी खूबियों के साथ बनाया है कि किसी को समझ ही नहीं आ सकती। और समझना चाहते हो तो वो जिसने सारी जिंदगी आपके बिस्तर पे गुजारी उस जौजा को समझ नहीं आई 14वीं सदी के मुल्ला को हजूर की हकीकत की समझ कैसे आ जाए। वो फरमाती है मैं जब भी देखा पर्दों में छुपा हुजूर की हकीकत सोचा को मालूम नहीं। यार जो बचपन से खेलता आया सफर करता आया सफर हजर में रहा उस यारे गार को भी हकीकत मोहम्मद हकीकत मोहम्मदिया की समझ ना आई। 1400 साल के बाद उजरे में बैठने वाले उस बेवजू मुल्ला को समझ आएगी कि हकीकत मुस्तफा क्या है, क्या समझ आएगी उसे। और इतराज वो हुजूर के वालिदैन पर करे, इतराज वो कहे कि उनके ईमान था या नहीं था, वो जन्नती होंगे कि जन्मी होंगे। और आज तो खुल खुल कर किताबों में लिखा जा रहा है, मुल्ला बक बक करता है कि वो जन्मी होंगे, वो काफिर हैं, जन्नत नहीं जाएंगे। मैंने मुल्ला को वो खालों के लिए पर्चियां तकसीम कर रहा था तो उसके ऊपर उसने हदीस एक रकम की थी तर्जमे के साथ, जिस बच्चा कुरान पढ़ जाए उसके माँ बाप को ताज पहनाए जाएंगे। मैंने कहा मौलवी साहब ये हदीस सही है? कहने लगा बिल्कुल सही है। मैंने कहा ये इसलिए तुमने लिखी है ना, लोग अपने बच्चों को मदरसे भेजें और तुम्हें खाले भी साथ दें, तुम्हें चंदा भी साथ दें। कहने लगा जी बिल्कुल, तरगीब देने के लिए नेकी की लिखी है। मैंने कहा मानते भी हो उस हदीस को? कहने लगा बिल्कुल। मैंने कहा तुम्हारा बच्चा अगर आपसे कुरान हो जाए तुम्हें ताज मिलेंगे? कहने लगा हाँ। मैंने कहा खबीस आदमी अकीदा सही कर फिर तुझे ताज मिलेंगे, तो जिस पर कुरान नाजिल हुआ है उसकी माँ का क्या मकाम होगा? तुझे और तेरे तेरे बाप तेरी माँ बीवी को तो तुझे और तेरी बीवी को तो ताज पहनाए जाए, तेरा बेटा हमसे कुरान हो गया तो जिसके सरापे पर कुरान उतरा है, जिसके सर से लेकर पांव तक तारीफों से भरा कुरान है, सीने मुबारक बाजू मुबारक दस्ते मुबारक कदमैन मुबारक, और जिसके पूरे उजूब के जिक्र कुरान में और उनकी हौसल का जमाल का किरदार का पैकर का तज़किरा कुरान करे, उस साहिबे कुरान की अब्बा जान और अम्मा जान का मैशर में मकाम तुझे मुल्ला समझ में ना आया। हुजूर अल इस्लाम के वालिदैन वाजिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन इसका इनका जिक्र किया करो। पता है क्यों मैंने क्यों ये जिक्र किया इसका और क्यों कर रहा हूँ कई सालों से? इसलिए कि मैंने एक वाक्या पढ़ा था कि इमाम जलालुद्दीन सूती अल्लाह रहमा ने 10 से 11 रिसाले ईमाने वालिदैन मुस्तफ़ा करीम सल्लम पर लिखे रिज़वानुल्लाह अलैहिम, उनके ईमान को साबित करने के लिए दलाइल के साथ किताबें 10 रसायल लिखे। उस वक्त भी फितना उठा होगा, उस फितने का रद्द करने के लिए आपने 10 किताबें 10 रसायल लिखे। तवज्जो करना, तो उनको इनाम क्या मिला हुजूर की बारगाह से? जागते हुए 72 मरतबा ज़ियारत मुस्तफा हुई। उलमा ने लिखा है कि उस ज़ियारत की वजह यह लगता है कि आपने आपके वालिदैन की वकालत की है। यार मुझे अपनी ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे विशाल शुदा कोई माँ की तारीफ करे कह यार अच्छी थी आपकी, जब भी मैं कभी घर गया तो मुझे पानी पिए बगैर नहीं आने दिया तुम्हारी अम्मा ने, बड़ा ही ख्याल करती थी आपके दोस्तों का, बड़ा ही प्यार था, बड़ी अच्छी थी, नेक सीरत थी, ताजुद गुजार थी। ईमानदारी से बताओ जिसके दिल में जर्रा बराबर भी मोहब्बत होगी माँ की, वो बंदा उसे प्यारा लगेगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं? लगेगा ना, यकीन लगेगा ना। तो फिर जरा क्यास तो कर थोड़ा सा, तेरा जर्फ मेरा जर्फ इतना सा है, हमें अपनी माँ की तारीफ करने वाला बंदा पसंद है, दोस्त पसंद है, तो बता जो हुजूर की अपनी जान की तारीफ करेगा? हुजूर की निगाह मोहब्बत आएगी कि नहीं आएगी? यकीन ना आएगी ना। तो फिर इसलिए हुजूर की वालिदैन माजदैन का जिक्र किया करो। और मैं तो शजरा अमूमन मिलाद के जब महीना आता है तो हर महफिल में ये शजरा जरूर पढ़ता हूँ, और वो शजरा इतना फायदेमंद है, आप भी इसको याद करके पढ़ा करो, अपनी मुरादें लिया करो। और मैं अब वो शजरा पढ़ने लगा हूँ, आप भी मुरादें लें, मैं भी मुराद लेता हूँ, मैं भी दुआएं करता हूँ, आप भी दुआ करें। हुजूर के वो शजरा जो हुजूर ने खुद मक्का के मिंबर पर बैठकर हुजूर ने
پڑا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ددیال اور اپنے اجداد کا پاکی بھی بیان کی اور قسم اٹھا کر بیان کی کہ میرے یہ ددیال جو ہیں یہ ایمان والے ہیں, ان کا ذکر کرنے لگا ہوں, جب آخر پہ جاؤں نا تو پھر حضرت ابراہیم پر تو کوئی زبان خاموش نہ رہے اور مل کے بولے گی سبحان اللہ. لیکن اب توجہ کریں گے نہایت ادب کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابا جان کا نام ہے حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب کے, عبد المطلب بیٹے ہیں ہاشم کے, ہاشم بیٹے عبد مناف کے, عبد مناف بیٹے قصی کے, قصی بیٹے کلاب کے, کلاب بیٹے مرہ کے, مرہ بیٹے کعب کے, کعب بیٹے لوبی کے, لوبی بیٹے غالب کے, غالب بیٹے فہر کے, فہر بیٹے مالک کے, مالک بیٹے ندر کے, ندر بیٹے کنانہ کے, کنانہ بیٹے خزیمہ کے, خزیمہ بیٹے مدرکہ کے, مدرکہ بیٹے الیاس کے, الیاس بیٹے مدر کے, مدر بیٹے نزار کے, نزار بیٹے ماد کے, ماد بیٹے عدنان کے, اور عدنان 40ویں بیٹے ہیں حضرت اسماعیل کے, اور اسماعیل بیٹے ہیں سیدنا ابراہیم. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین میں سے میں نے ابا جان کا شجرہ سنایا ہے, اب اگر توجہ کریں گے تو حضور کی اما جان کا شجرہ پڑھنے لگے. اسی ذوق کے ساتھ اگر بولیں گے تو نہیں میں پڑھ سکوں گا, نہیں حضور کی امی جان کا شجرہ پڑھنے لگا ہوں ایسے نہیں میں سناؤں گا, نہیں جو ابھی تک نہیں بولے اور زبانوں کو بالکل سکوت کی سمندر میں گرا رکھا ہے وہ ذرا سکوت توڑے اور حضور کی امی جان کے لیے کہیں سبحان اللہ. چس پوری نہیں آئی حضور کی امی جان کا ذکر کرنے لگا ہوں نا, اب سارے بولیے طرف کھڑے اسٹیج والے بھی حضور کی امی جان کی بات ہے تو سب بولیں گے سبحان اللہ. حضور کی امی جان کا نام ہے سیدہ آمینہ, حضرت آمینہ بیٹی ہیں وہب کی, حضرت وہب بیٹے عبد مناف کے, عبد مناف بیٹے ابن مناف بیٹے زہرا کے, زہرا بیٹے کلاب کے, کلاب بیٹے مرہ کے, یہ مرہ جو ہیں حضور کے پردادا بھی ہیں اور حضور کے پڑنانا بھی ہیں, یہاں سے شجرہ وہی چلا ہے. مرہ بیٹے کعب کے, کعب بیٹے لوبی کے, لوبی بیٹے غالب کے, غالب بیٹے فہر کے, فہر بیٹے مالک کے, مالک بیٹے ندر کے, ندر بیٹے کنانہ کے, کنانہ بیٹے خزیمہ کے, خزیمہ بیٹے مدرکہ کے, مدرکہ بیٹے الیاس کے, الیاس بیٹے مدر کے, مدر بیٹے نزار کے, نزار بیٹے ماد کے, اور ماد بیٹے عدنان کے, عدنان 40ویں بیٹے حضرت اسماعیل کے, اور حضرت اسماعیل بیٹے سیدنا ابراہیم. حضور کی دادی جان کا بھی شجرہ سنا دوں, دادی جان یعنی کہ حضور کے ابا جی کی امی جان, پہلا ہے حضور کی امی کی امی نانی جان, اب حضور کے ابا کی امی دادی جان, ان کا شجرہ سنیے ان کا بھی وہیں جا کے ملتا ہے. حضرت فاطمہ ان کا نام ہے, حضرت فاطمہ بیٹی حضور کی دادی جان ہے, حضرت فاطمہ بیٹی عمر کی, عمر بیٹی عمران کے, عمران بیٹے مخزوم کے, مخزوم بیٹے یکزا کے, یکزا بیٹے مرہ کے, مرہ وہی حضور کے پردادا پڑنانا اور حضور کی دادی کے بھی وہی دادا, اور مرہ بیٹے کعب کے, کعب بیٹے لوی کے, لوی بیٹے غالب کے, غالب بیٹے فہر کے, فہر بیٹے مالک کے, مالک بیٹے ندر کے, ندر بیٹے کنانہ کے, کنانہ بیٹے خزیمہ کے, خزیمہ بیٹے مدرکہ کے, مدرکہ بیٹے الیاس کے, الیاس بیٹے مدر کے, مدر بیٹے نزار کے, نزار بیٹے ماد کے, ماد بیٹے عدنان کے, اور عدنان 40ویں بیٹے حضرت اسماعیل کے, اسماعیل بیٹے سیدنا ابراہیم. اور اگر اجازت ہو تو حضور کی نانیوں کا بھی شجرہ پڑھ دو, صرف نانیاں, نانیاں, نانی کا آگے شجرہ اس کے باپ تک پہنچا ہے, نانی کا. حضرت آمینہ بیٹی, آمینہ بیٹی وہب کی پہلے پڑھا ہے نا, وہب نانا ہے, آمینہ بیٹی وہب کی, وہب بیٹے عبد مناف کے, عبد مناف بیٹے زہرا, یہ نانے ہیں. اب ان کی جو زوجہ ہیں ساریاں وہ نانیاں ہیں, ان کا شجرہ کیسے؟ حضرت آمینہ, حضرت آمینہ بیٹی مرہ کی, مرہ بیٹی امیمہ کی, امیمہ بیٹی دب کی, دب بیٹی آتکا کی, آتکا بیٹی اوف کی, اوف بیٹے لوبا کے, لوبی لوبی کے, لوبی بیٹے غالب کے, غالب بیٹے فہر کے, فہر بیٹے مالک کے, مالک بیٹے ندر کے, ندر بیٹے کنانہ کے, کنانہ بیٹے
खुजैमा के, खुजैमा बेटे मुदरका के, मुदरका बेटे लियास के, लियास बेटे मुदर के, मुदर बेटे नजार के, नजार बेटे माद के, माद बेटे अदनान के, और अदनान 40वें बेटे हजरत इस्माइल के, और इस्माइल बेटे सैयदना इब्राहिम। आमीन। आला हज़रत फाज़िल बरेली की रूह तड़प उठी, या रसूल अल्लाह आपके अबाओ अजदाद ददियाल ननियाल सारे पाक हम तो मानते हैं, हमारा अकीदा तो ये है तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना, तेरा सब घराना, तेरा सब घराना, तेरा सब घराना, तेरा सब घराना। और हम अहले सुन्नत का तो अकीदा है, अकीदा है यार, गौर तो कर जरा, अकीदा है कि जो हजारों साल तक यसरब रहा हो ना, अब समझ इसको आएगी जो माना जानता होगा, जो हजारों बरस तक यसरब रहा हो वो नालेन मुस्तफा लग जाए तो मदीनातुल मुनव्वरा बन जाए। भाई जो सैकड़ों साल तक इलाका यसरब, यसरब का माना गंदी जगह और जरासीम वाली बीमारियां फैलाने वाली जगह, और जो बीमारियां फैलाने वाली जगह वो नालेने मुस्तफा लग जाए तो वो मदीनातुल मुनव्वरा नूर देने वाली बन जाती है। अकल वालों इलाज कराओ अपना, और बीमारियों वाली जगह ना पाक जगह पर नालेने लग जाए, जोड़े लग जाए, कदम लग जाए तो वो नूर देने वाली बन जाती है। तो जो हो ही नूर वाली उसमें नौमा क्याम करे तो उसका मकाम क्या होगा। अजमते वालदैने मुस्तफा, अजमते वालदैने मुस्तफा, अजमते वालदैने मुस्तफा। कमाल हो गया, हुजूर के वालिदैन माजदैन करीमैन तैयबैन ताहरैन, आपकी अजमत, आपकी शान, आपकी शौकत बराबर है, इनको क्या पता, इनको क्या पता। आप 2 किलो दूध गंदे बर्तन में नहीं रखते तो कायनात का दूल्हा रब ने कहाँ रखा होगा। बस मिसाल बुजुर्गों ने समझा दी, कमाल कर दिया। और हुजूर की शान रहमत पर थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा, हुजूर की रहमत कैसी है यकीन कर जाएं, हुजूर की रहमत इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, जिस तरह कोई बंदा रब की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता, अल्लाह की कसम कोई बंदा हुजूर की रहमत का अंदाजा नहीं लगा सकता। दुनिया में कोई बंदा है जो मुझे मयार पैमाना कस के दे दे रब की इतनी ताकत है इतनी नहीं है? जो बंदा है वो कह दे कि रब की ताकत का मुझे अंदाजा है, झूठ बोलेगा, कुफर करेगा। रब की ताकत का अंदाजा मखलूक में से किसी को नहीं, रब्बे काबा की कसम हुजूर की रहमत का अंदाजा भी किसी मखलूक में से नहीं है। लेकिन सारे क्याफे अंदाजे वो इशारे हैं, इशारिये हैं, हुजूर की रहमत इतनी बुलंद, इतनी बुलंद, इतनी बुलंद, इख्तिताम का किसी को नहीं पता, बुलंद 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 इतनी है। और हुजूर की रहमत तो क्या शेर पढ़ रहे थे, बदों पर भी बरसात है बरसात, अपने तो अपने काफरों के लिए हुजूर रहमत है। अल्लाह की इज्जत की कसम हुजूर की रहमत का हिस्सा आज काफर भी ले रहा है, वो माने या ना माने। क्यों? वो जो सांस ले रहा है ना और हवा चल रही है ना, काबा के रब की कसम हुजूर के सदके सांस ले रहा है। सूरज की छुआएं अगर उसको हासिल है ना तो ये भी हुजूर के सदके उसे मिल रही है। चांद की चांदनी अगर उसे मुयसर है तो ये भी हुजूर के सदके मिल रही है। इतना करीम आका, इतना करीम आका, इतना करीम आका, जो काफरों के लिए भी रहमत है और अपनों के लिए कितनी रहमत है, इसका अंदाजा ये 2 जुमलों से आप लगा लेंगे कि हुजूर की मीलाद से पहले पता क्या होता था। सुनना जरा, दिल पे हाथ रख के सुनना इन जुमलों को, चार जनू होके बैठे से, हुजूर अलैहिस्सलाम के मीलाद से पहले पता क्या होता था, सालों पहले बाप बूढ़ा हो जाता था ना, खांसी करने लगता था,
तो बेटा बाप को पकड़ता, बीच मंडी में ले जाता, बोलता को कितने पैसे देगा इसके, मैं गुलाम बेचने आया हूँ। ये थी हालत। बाप को मंडी में बेच दिया करते थे। माँ बूढ़ी हो जाती थी ना, बीमार हो जाती थी, खिदमत करने का तसव्वुर नहीं था, उठाते चौक में ले जाते, बिकती ना किसी गंदगी के ढेर पे फेंक आते, कोई कनीज बना के ले जाए। तारीख ने वाकयात रकम किए हैं, ये दौर था, माँ बाप को मंडियों में बेच आया करते थे। अपनों के लिए रहमत ये है, तुम्हें हजूर ने बता दिया तो 80 साल बूढ़ा भी होकर रिंगता होगा, हुक्म दे दिया बेटा है ना, बाप को तलियों पे उठाना, जन्नत का जिम्मेदार मैं मोहम्मद। माँ बूढ़ी हो गई, खुदा की कसम इस दिसंबर को जरा जूम जाइएगा, समझिएगा, मजा लीजिएगा, अपने ईमानों को ताजा कीजिएगा और अपनी अमली जिंदगी में इसको इनकलाब समझिएगा। माँ बाप का बूढ़ा होना भी औलाद के लिए रहमत है। वो खुद तकलीफ में रहकर बचपन में तुझे पाला और बुढ़ापे में खुद तकलीफ में रहकर सवाब तुझे बुलवा रहे हैं और तेरी बख्शिश तेरी मगफिरत का वो सबब बन रहे हैं। अरे तू एक लम्हे के लिए उन्हें मुस्कुरा के देखेगा, तुझे मकबूल हज का सवाब मिल जाएगा। और बता, जिस बाप को जिस माँ को तूने एक लम्हा जी भर के सिर्फ देख ही लिया, तो तेरे नामा माल में मकबूल हज आ गई। अगर रात पूरी बैठ के कदमों को दबाता रहेगा, बता हजों का अंदाजा क्या होगा, बता मंजर क्या होगा। वालिदैन का बूढ़ा हो जाना और वालिदैन का बीमार होना भी औलाद के लिए बाएं रहमत है। इस तसव्वुर को किसी ने नहीं समझा शायद, यकीन करते हैं बाएं रहमत है और उसका फायदा क्या है, औलाद के गुनाह झड़ते हैं और सिर्फ गुनाह ही नहीं झड़ते, औलाद माँ बाप की खिदमत करे गुनाह ही नहीं झड़ते, दर्जे भी बढ़ते हैं, मंजिलें भी आसान होती हैं और जमाने में रब उरूज भी दे देता है। सिर्फ माँ बाप की खिदमत का सिला है। और याद रख लो, माँ बाप वो अजमत वाले, कदर कर लो, गनीमत जान लो, जिनके पास ये दौलतें हैं उन्हें गनीमत जान लो, मैं फिर कह रहा हूँ गनीमत जान लो, खिदमत कर लो, नौकरी कर लो, माँ बाप की रजा हासिल कर लो। बाप जन्नत का दरवाजा है तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप नाराज हुआ, जन्नत का दरवाजा बंद हुआ, माँ नाराज हो गई, जन्नत में जाना नामुमकिन हो। इससे अगली बात भी बड़ी कमाल की है, वो आवाम में मैं बयान नहीं करता हूँ। हुजूर की रहमत तो इससे भी आगे है, इससे भी आगे है, इससे भी जुदा है और इससे भी फरोतर है और कमाल दर्जे की मोहब्बत है हुजूर की। हुजूर की रहमत इतनी बड़ी रहमत, इतनी बड़ी रहमत। हजरत अबू जर गफारी ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, हुजूर गुनाहों पर कोई जजा और सजा की बात सुना रहे थे ना, तो हजरत अबू जर गफारी ने उस किया, या रसूल अल्लाह, क्या चोर और जानी ना, हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी शफात का जिक्र फरमा रहे थे ना, तो हजरत अबू जर बड़े मोहब्बत जोश को देखते हुए सवाल कर बैठे, या रसूलल्लाह क्या आप चोर और जानी की भी शफात फरमाएंगे? हुजूर ने इतना जुमला फरमाया, ऐ अबू जर, तेरे मुंह में खाक हो, तेरी नाक खाक आलूद हो, यानी तू इतने रात से पर्दा उठवा रहा है, लेकिन नबूवत थी ना, हाँ करती तो हलाल हो जाता है, ना करे तो हराम हो जाता है, जिसके लब हिल जाए हराम और हलाल के फैसले हो जाते हैं। हुजूर ने फिर फरमा दिया, पर्दा उठा दिया, फरमाया हाँ अबू जर, मैं शफात करूंगा। ये अलग बात है लोगों, और इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ता खुल गया है, रास्ता खुल गया है, ये नहीं है, इसका तसव्वुर और है कि वो जा जाएगा, सजा भुगतने से पहले सजा के करीब पहुंचेगा, हुजूर शफात फरमा देंगे। और बाज तसव्वुर इसमें ये भी लेते हैं कि उसको उसकी अमल की सजा मिलेगी लेकिन मुस्तकल जहन्नम में नहीं रहेगा, हुजूर की शफात के सदके जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। हुजूर की रहमत इतनी है, अपनों काफरों को मिले, गैरों को मिले, दुश्मन को मिले, तो जो हुजूर का कलमा पढ़कर हुजूर का मिलाद मनाए, और चाचा काफिर हो, अबदी और दायमी जन्मी हो, उसको सिर्फ भतीजे की खुशी करने में सवाब मिल जाए, तो
उम्मती कलमा पढ़कर सारी जिंदगी मिलाद का जश्न मिलाए, ये कैसे मुमकिन है कि वो महरूम रह जाए। हुजूर के मिलाद की बड़ी बरकतें हैं, बड़ी शान है, हुजूर के जिक्र की बड़ी बरकतें, और ये नसीब वालों के मुकदरों में आती हैं। और ईमान वालिदैन पे आप अकीदा जो है अपनी नस्ल नौ को भी बताओ, और अकीदा ख़त्म नबूवत जो है ये भी दुनिया को बताओ कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। जो दावा करे वो काफिर कज़ाब दज्जाल बेईमान लानती है, और ये मिर्ज़ई दज्जाल जो है ये कज़ाब लानती हैं। ये मिर्ज़े कादियानी को नबी मानते हैं, मिर्ज़े को नाऊज़ बिल्ला रसूल मानते हैं, और उसके पता नहीं क्या क्या गुनगाते हैं, कलमे पढ़ते हैं, तो ये मिर्ज़ई काफिर हैं पक्के। तो ये भी अपने मुसलमान भाइयों को, हुजूर की उम्मत को, साधारण लोगों को बताओ ये मिर्ज़ई कुफर का फितना है, और इससे अपने आप को और अपनी नस्ल नौ को बचाना है, और ख़त्म नबूवत का पहरा देना है। और याद रखो गोलड़े का शहनशाह पीर मेहर अली गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए, जो हुजूर की ख़त्म नबूवत का पहरा देता है उसकी पुश्त पर आमिना के लाल का हाथ आ जाता है। जो बंदा चाहता है ना कि उसे मकीन गुंबद खजरा की दुआ नसीब हो जाए, मैं पूरी जो है ना ईमान और यकीन से बात करता हूँ, वो इखलास के साथ हुजूर की ख़त्म नबूवत की पूरी ज़िंदगी नौकरी देने के लिए आमादा हो जाए, ख़त्म नबूवत की नौकरी दे, मकीन गुंबद खजरा उसके लिए दुआ अदा करेंगे। और ख़त्म नबूवत पर पहरा देना इस वक्त इतनी ईमानी ज़रूरत है, इतनी ईमानी ज़रूरत है। मैं जुमलों में बात आज कर रहा हूँ और बड़ी शार्ट शार्ट से बात कर रहा हूँ। इतनी ईमानी ज़रूरत है, उतना इस जश्न के लिए सांस का लेना ज़रूरी नहीं है जितना ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़त्म नबूवत का पहरा देना ज़रूरी है। इसलिए ख़त्म नबूवत का पहरा दो। आज की गुफ्तगू जितनी जो भी हो सकी बेरब उसको कबूल फरमाइएगा। मैं बस कुछ आसाबी तौर पर थका हुआ हूँ काफ़ी, और बस कुछ मामलात ज़िंदगी ऐसे हैं, तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और जो भी हज़रत साहब तशरीफ़ फरमा होंगे और दुआ यकीनन वो बाद में फरमाएंगे, उनसे गुजारिश है, दो रोज़ पहले मेरी वालिदा माजिदा का इंतकाल हुआ, उनके लिए आप दुआ कर देंगे तो मेरे लिए मोहब्बत हो जाएगी। मिलाद की महफिल है आपके विसाल के बाद पहली मरतबा तीसरे दिन, और वो भी माजरत ना कर सका क्योंकि मौलाना नदीम भाई इतने प्यारे ख़त्म नबूवत के डेडिकेटेड मुजाहिद है, मुस्तकिल ख़त्म नबूवत के महाज पे काम करने वाले, जान को थैली पर रख कर दुश्मन का सामने पे जाकर मैदान में ख़त्म नबूवत के लिए निकलने वाले, तो इसलिए मुझे इनकार नहीं हो सका तो मैं आ गया हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है फिर क्या होता है, दो दिन में जब इतना बड़ा सदमा कल्ब पे आए दिल पे आए तो फिर, लेकिन ये सरकार की बात है ना, जब आ गए हो तो सब, जब याद आ गए हो तो सब गम मिटा दिए। और ये जिक्र उनका इसलिए करने किया है, अल्लाह ताला इसके जिक्र के सदके मेरी वालिदा की कबर को मुनव्वर फरमा दे, उनको करवट करवट रहमत और तरजा अता फरमाए, उनकी कब्र को वाश और खुला फरमाए। तो हजरत से मेरी गुजारिश होगी कि आप बाद में जो है मेरे जाने के बाद दुआ कर देंगे। तो कहते हैं किसी के पुश्त के पीछे कोई मोमन दुआ कर देना उसके कबूलियत में शक नहीं रहता है, तो मैं चला जाऊंगा तो बाद में होगी, तो ये मेरे 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 लिए और हौसला अफजा, और सामने तो भी आप करेंगे और वो भी इखलास ही करेंगे, लेकिन अगर चले जाने के बाद करेंगे तो उस जो है ना उसूल पर आ जाएगी कि जो मोमिन किसी की पुश्त के पीछे उसके लिए नेक दुआ करता है अल्लाह उसको जल्द कबूल करता है। तो इस कबूलियत के लिए बाकी मैं जो बेरबत सी कहीं कहीं कुछ हो गया होगा, कोई बेरबत जुमले निकल गए होंगे तो मुझे माफ़ करना, कोई गलती कोई मामला हो गया होगा तो कहीं और जो मेरी वो कहने के मेरी ज़ाती गलती है उस पर अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए रहम फरमाए, और जितना सही बयान हो सका उसको कबूल फरमा कर हम सब के लिए ज़रिया नजात बना दे। अल्लाहुम्मा अलैया इल्लल बलाग।